हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं क्रिप्टो राइजिंग स्टार। क्रिप्टो राइजिंग स्टार आपके लिए एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी और गेमिंग प्रोजेक्ट के मुताबिक आपको अपडेट करता है। मैंने आपके सामने एक शानदार, अमेजिंग एंड यूनिक यानी कि गेमिंग प्रोजेक्ट, एनएफटी प्रोजेक्ट लाया हूँ, जिसमें यानी कि आपने किस तरह इससे यानी कि सर्वाइव करना है, इसका मुकम्मल यानी कि आपको दूंगा इसका रिव्यू। इसमें यानी कि मुकम्मल इसका बैकग्राउंड इसमें मतलब बताऊंगा कि आपने इससे यानी कि किस तरह ज्वाइन होंगे और इसमें यानी प्रोजेक्ट में आप इसके कम्युनिटी का पार्ट कैसे बनेंगे वो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड क्रिप्टो सर्वाइवर है जो यानी इस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें यानी कि वो बता रहा है कि जिसमें आपने सेव करनी है वर्ल्ड को ज़ॉम्बीज वेज द फ्रॉम द यूम द ह्यूमन काइंड एंड द पीसेस ऑफ द आप। इसमें यानी कि जो उसने टोकन बताया हुआ है जो इनका यानी क्या है, यानी कि वैक्सीन ज़ॉम्बी ब्लड्स के तौर पर नाम लिया जा रहा है जो इसमें है, जो आपने इसका वाइट पेपर भी और इसकी प्ले हुआ है वो भी बहुत ही जल्दी इसकी हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो सर्वाइवर है क्या, उसने यहाँ बताया क्रिप्टो सर्वाइवर यानी कि आपका आज द लेटेस्ट तौर पर यानी कि लिया गया है, यानी कि आपने इसमें लिखता यानी कि अर्न करेंगे गेम के तौर पर, जिसमें यानी दे रहा है, जिसमें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के तौर पर भी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर इकोनॉमी कर रहा है, ब्लॉक चेंज इन यानी कि उसने बताया है जिसमें इको सिस्टम के तौर पर यानी लिया जा रहा है जो इसमें स्टैंडर्ड तौर पर कर रहा है, और इसमें आप अर्न कर सकते हैं यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि यानी कि इसमें जो अर्न करने के लिए उसने जो बताया हुआ है वो रिवार्ड्स वगैरह भी आप अर्न कर सकते हैं, और इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की बता रहे हैं फुल ऑनर कोर्स कर सकते हैं, और इसका यानी कि मुख्तलिफ किस्म का जो टोकन लिया गया है, जो टोकन का नाम है यानी कि मैंने भी आपको ऑलरेडी बताया, जो टोकन उसने बताया है वैक्सीन ज़ॉम्बी यानी कि ब्लड यानी कि वीवीज़ेड तौर पर यानी लिया गया है, जो उसमें यानी कि टोकन का नाम बता रहा है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की एनएफटी किस के तौर पर भी लिया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड, आप इसमें होने के बाद फ्रेंड आप इसके मुख्तलिफ किस्म इंटरफेस देख सकते हैं। 2027 में यानी कि एक न्यू वर्ल्ड होगी जिसमें स्टैंड के तौर पर यह एक्सपेक्ट कर रहा है, और इसके मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजी तौर पर कंटेक्ट करेगा, उस पर ब्लड वगैरह के तौर पर यानी कि गवर्नमेंट यानी कि इसे किस तरह लेगी, और इसमें यानी कि मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लेगा, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के बैनर के तौर पर यानी कि वर्ड्स के तौर पर यानी किस तरह किए जाएंगे वो उसने बताया है कि ये वायरस कैसे यानी कि लिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2030 के तौर पर यानी कि इससे यानी कि 3 ईयर्स आफ्टर यानी कि इकोनॉमी यानी कि इसमें लिया जाएगा, इसमें यानी कि वायरस जीत पहुँच जाएगा, इसमें यानी स्टडी करेगा और इसे फंड के तौर पर यानी कि इसे सर्व करेगा, जो उसमें यानी कि गेम के तौर पर किस तरह यानी कि लेकर जाएगा, उसमें मुख्तलिफ किस्म की चैलेंजेस तौर पर यानी कि लेंगे, पॉपुलेशन के तौर पर यानी कि बेसिक सर्वाइवल यानी कि रिसोर्स होंगे तौर इसमें दिया है। 2034 में यानी कि 2034 उसने बताया हुआ है, जिसमें ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन होम मैन यानी सर्वाइव कर रहे होंगे, जिसमें यानी कि डिस्कवरी होगी टेम्परेरी तौर पर जो इन्फेक्शन यानी कि फ्राम होगा वायरस का, जो यानी कि सब जगह पर यानी कि उससे फैल जाएगा, जो उसने यहाँ बताया हुआ है, जो इसकी यानी वैक्सीनेशन तौर पर लेगा, जो इसे मुकम्मल तौर पर यानी कि आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ब्लॉक चेन के तौर पर यानी उसने लिया गया है, और इसके यानी कि आप देख सकते हैं कि जो उसने बताया है जो सर्च आप कर सकते हैं, यानी कि इनका टोकन जो उसने बताया हुआ है यानी कि वैक्सीन ज़ॉम्बी ब्लड के तौर पर है, जिसका नाम यानी कि आप देख सकते हैं कि जो उसने दिया हुआ है, वैसे सर्वाइव के तौर पर भी आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट, आप इसमें यानी कि सर्वाइव तौर पर लेने के बाद फ्रेंड आप इसके सर्वाइव कैसे करेंगे, इसकी यानी कि सर्वाइव के तौर पर उसमें बताया ग्रेटेस्ट यानी कि सर्च है, जो इसमें यानी मुख्तलिफ किस्म के नेफ्ट के तौर पर होंगे, जो प्रिंट पर यानी जो इससे यानी कि वैक्सीन तौर पर यानी कि लेंगे, और इसके आप देख सकते हैं कि जो इसने यानी कि ले गई हैं, जो इनके यानी कि सर्वाइव तौर पर यानी कि एनएफटी के तौर पर यूज़ होंगी जो गेम में है। उसके बाद व्हीकल्स के तौर पर आप देख सकते हैं कि व्हीकल्स के तौर पर यानी कि देख सकते हैं कि इसकी यानी कि जो व्हीकल्स होंगे इस्तेमाल होंगी। उसके बाद स्कोर्स देख सकते हैं जो यानी कि उसने स्कोर्स के बारे में बताया हुआ है, जो यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं कि आप इसे बाई कैसे करना है, तो बाई ERC20 टोकन जो तौर पर है तो आप इसे बाई करेंगे, जो यानी कि उसने यहाँ बताया हुआ है, जिसकी यानी कि आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल यानी के तौर पर ऑडिट सप्लाई वगैरह फिक्स। इसमें फ्रेंड टोकन को मुकम्मल तौर पर एडिट किया गया है, जो आप इसमें देख सकते हैं कि उसने यानी एडिट प्रूफ बताया है, जो कंपनी है जो फाइंड कर सकते हैं इसका रिजल्ट सर्टिफिकेट, जो फाइनल लिंक्स हैं, जो इन प्रोसेस हैं जो यानी कि इसमें हो रहे हैं, इसके आप इसके मुख्तलिफ किस्म के सोशल नेटवर्क्स भी देख सकते हैं, जैसे कि ट्विटर है, उसके बाद डिस्कॉर्ड है, और उसके बाद आप देख सकते हैं यूट्यूब है, इसके सारे सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चलते हैं इसके व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर में फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसके क्रिप्टो सर्वाइवर के तौर पर बता रहा है, जो यानी कि गेम चल रहा है, जो इसका मुकम्मल तौर पर स्टैंडर्ड बता रहा है, डिसेंट्रलाइज यानी फुली यानी कि इसने बताया, डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है जो यानी कि इसमें क्रिप्टो सर्वाइवर यानी कि आपको मुकम्मल तौर पर यूजर तौर पर बताएगा, डिफरेंट किस्म के सिटीज़ होंगी जो यानी कि उसने बताया हुआ है, जो यानी कि आप इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड अगर बात की जाए तो ईयर 2027 के तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि जो उसने बताया हुआ है, और इसकी यानी कि जनरेट के तौर पर करेगा, और उससे मुख्तलिफ किस्म की यानी कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे गवर्नमेंट के तौर पर इसे यानी कि लेके उसे एक्सपोज करेगी, जो भी मुख्तलिफ किस्म के तौर पर जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया 2020 यानी कि आप 2030 यानी कि आप देख सकते हैं कि जो उसने बताया है कि यानी इस तरह का यानी कि होगा। और उसके बाद फ्रेंड अगर बात की जाए तो आप इसमें यानी कि 2034 को यानी कि इसकी यानी मुख्तलिफ किस्म की यानी कि ज़ॉम्बी तौर पर लिया जाएगा, और इसे यानी कि ज़ॉम्बी यानी कि आप वैक्सीन ज़ॉम्बी ब्लड के तौर पर यानी कि करेंगे सर्वे तौर पर उसने बताया हुआ है। उसके बाद सर्वाइवर तौर पर बता रहे हैं, सर्वाइवर यानी कि आपका ग्रेटेस्ट यानी कि इससे रिसोर्स होगा इस कोड के तौर पर, जो हर किसी के लिए यानी इस गेम में यानी कि लिया जाएगा, जिसमें यानी कि 20 तौर पर लेने के लिए जाएगा। उसके बाद व्हीकल्स के तौर पर यानी कि इसमें लिए गए हैं, व्हीकल्स यानी कि इसमें बताए हैं, व्हीकल्स तौर पर यानी कि इसमें बताया गया जो यानी मतलब किसमें प्रोटेक्शन और इसके सारे यानी के तौर पर लेगा,
और उससे यानी बताया हुआ है। उसके बाद आधे से अधिक इसका स्कोर्ट के तौर पर हमें बता रहा है, जो यानी कि आप इसमें यानी देख सकते हैं कि स्कोर्ट को किस तरह यानी कि लिया जाएगा उसकी यानी कि डेट बता रहा है। उसके बाद फ्रेंड मार्केट की बात की जाए तो मार्केट यानी कि आप उसने बताया कि NFTs होंगी जो लिस्टेड होंगी फॉर सेल के लिए, जो यानी कि आप डायनामिक यानी के तौर पर आप ले सकते हैं, उसे लिस्टिंग के तौर पर आप उसे यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है रोड मैप। रोड मैप पे आप देख सकते हैं कि फेज़ वन में सोशल नेटवर्क प्राइवेट सेल टोकन एडिट एंड टीम KYC। अब नेक्स्ट फ्रेंड इसमें देख सकते हैं सेल ऑन द पिंक सेल इनिशियली लिक्विडिटी यानी कि ऑफरिंग होगी, जो लिक्विडिटी यानी कि आप देख सकते हैं इंजेक्शन यानी इन पेनकिक स्वैप होगी, जो लॉन्च ऑन द क्लिक यानी होगी, फिर लॉन्च ऑफ द मार्केट होगी, लिस्टेड होगा यानी कि क्वीन यानी कि क्वीन मार्केट कैप के ऊपर। उसके बाद देख सकते हैं एम्बेस्टर यानी कि आप फेज़ टू में देख सकते हैं कि एम्बेस्टर प्रोग्राम मार्केटिंग कंपनी। उसके बाद कंटेस्ट यानी कम्युनिटी होगी, एक्सचेंजिंग लिस्टिंग होगी। फेज़ थ्री में यानी कि इससे मुख्तलिफ किस्म इंप्लीमेंटेशन की जाएंगी और इससे मुख्तलिफ किस्म के वर्जन के तौर पर यानी कि लिया जाएगा, लिक्विडिटी के तौर पर, टैक्स के तौर पर लेगा, मास मार्केटिंग के तौर पर ले रहा है, पोस्ट यानी किसी यानी फोर के तौर पर आप देख सकते हैं। फेज़ इसमें मुख्तलिफ किस्म की सोशल फंक्शनलिटी और क्रिएशन कम्युनिटी यानी क्रिप्टो यानी कि वर्ड्स यानी कि ब्रांड के तौर पर लेगा। क्रिएशन मिनिमम गेम्स होंगे जो कलेबोरेशन विद द BNB चेंज प्रोजेक्ट, उसे आप देख सकते हैं। फेज़ फाइव में यानी मुख्तलिफ किस्म की यानी कि सोशल फीचर के तौर पर एक्सेस करेंगे, नॉन क्रिप्टो वर्ड्स ब्रांड्स के तौर पर मिनी गेम्स एंड विद इन यानी कि मेटावर्स के तौर पर वोटिंग आइडियाज़ कम्युनिटी क्रिएटिंग द न्यू साइकिल डेवलपमेंट फेजेज होंगे। नेक्स्ट फ्रेंड अगर बात की जाए तो आप इसके रेफरल सिस्टम के तौर पर भी देख सकते हैं, आप इसमें रेफरल सिस्टम भी यानी कि अपनाएंगे, जिसमें यानी कि आप रेफरल सिस्टम करेंगे तो आपको 1% देयर रिवार्ड्स विच भी यानी कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द यानी कि अनक्लेम बैलेंस, जिसमें यानी कि आप फ्रेंड्स को यानी कि मुख्य इसमें रिवाइड करेंगे। और इसके टोकन की बात की जाए तो आप इसका टोकन देख सकते हैं कि ERC-20 टोकन है, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एड्रेस यानी देख सकते हैं कि जो यानी कि BNB यानी कि अवेलेबल स्टैंड ऑन द BNB चेंज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट उसने यहाँ बताया हुआ है, विद इन द फिक्स सप्लाईज उसने बताई हुई है। आप उसने देख सकते हैं कि यानी कि टोकन के बारे में बताया, टोकन ऑडिट भी किया हुआ है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड अगर बात की जाए तो आप टोकन इकोनॉमी के तौर पर अगर देख सकते हैं जो उसने यहाँ दिया हुआ है, टोकन इकोनॉमी तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि जो उसने दिया हुआ है, और इसमें यानी कि परसेंटेज, इसके डिस्क्रिप्शन, इसकी प्राइवेट सेल और उसकी यानी कि मार्केटिंग आप देख सकते हैं। मार्केटिंग के तौर पर ये मैंने जैसे परसेंटेज के तौर पर दिया गया है, जो यानी कि आप देख सकते हैं एयर ड्रॉप भी और उसके बाद प्राइवेट सेल के तौर पर भी देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी तौर पर यानी कि इसमें लिया गया है टोकन पर आए यानी कि इसमें प्राइस देख सकते हैं 0.29 यानी कि 411 यानी इसे BUSD इसकी आप देख सकते हैं। सॉफ्ट कैप है और देख सकते हैं, हार्ड कैप देख सकते हैं, मिनिमम परचेज यानी कि उसने बताया हुआ है जो आप देख सकते हैं। इसकी आप अगर बात की जाए तो पब्लिक सेल की, तो पब्लिक सेल यानी कि इसमें मुकम्मल तौर पर स्वैप के तौर पर यानी ऑटोमेटिक इंजेक्ट होगी, जो यानी कि आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी यानी कि फीडबैक के तौर पर यानी कि बता रहा है, जो यानी कि आप इसमें भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी के तौर पर भी अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी एंड यानी कि डिसेंट्रलाइज के तौर पर चेंज होगा, तो वो भी उसने बताया हुआ है। एसोसिएटेड टैक्सेस बता रहा है, जो उसने आप देख सकते हैं कि टैक्सेस के तौर पर यानी कि डायनामो के तौर पर बता रहा है 30% इसमें टैक्स के तौर पर लेगा, जो उसमें यानी कि आप देख सकते हैं कि दी टैक्स यानी इंजेक्टेड किए जाएंगे रिवार्ड पूल के ऊपर। उसके बाद फ्रेंड डिस्क्लेमर है। उसके बाद फ्रेंड आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के यानी कि मिनी यानी कि उसे बताया हुआ मिनरिटी के तौर पर यानी कि आप देख सकते हैं और जो उसने दी हुई हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मिंटिंग तौर पर यानी कि उसने बताया इसमें फ्रेंड मिंटिंग ऑफ व्हीकल्स आप देख सकते हैं कि जो उसने बताई हुई है, जो मैंने आपको इसमें मिंटिंग सर्वाइवल के बारे में बताया वो यहाँ आपको यानी कि उसमें मैंने बता दी थी, जिसमें यानी कि आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म प्रोबेबिलिटी थी। और उसके बाद मिंटिंग व्हीकल के तौर पर अगर देखा जाए तो इसके व्हीकल तौर पर यानी उसने बताई हुई हैं, जो यानी कि आप देख सकते हैं जो यानी कि इस टाइप की यानी कि होंगी, जो यानी कि आप इसमें करेंगे बाइक, कार, ट्रक यानी कि एम्बुलेंस, उसके बाद बस, APC यानी कि उसने बताया हुआ है। और इसकी सर्वाइवल कैपेसिटी भी बताई गई है जो इसमें की गई है। उसके बाद क्रिएट द स्कोर के तौर पर भी बता रहा है, जो यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें यानी कि किस स्कोर के तौर पर लिया जाएगा, वो भी इसने यहाँ बयान किया हुआ है, जो यानी कि आप इसमें भी देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आप इसमें यानी कि होने के बाद आप इसके स्कोरबोर्ड के तौर पर भी देख सकते हैं, जो यानी कि इसमें यानी कि किसने ली जाएगी 4 USD के तौर पर लेगा, और इसमें यानी कि 20 NFT के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद सराइव किट के तौर पर भी बता रहा है, जो यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें यानी कि नंबर ऑफ द किट्स यानी कि 1 से 1 USD तौर पर बता रहा है, जो यानी कि आप इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं और भी यानी कि इसकी यानी कि एंटीडोट्स तौर पर भी बता रहा है, जो यानी कि इसमें आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं कि सेक्रीफाइस और सर्वाइवल ऑन द बर्न वेगस तौर पर बता रहा है। और उसके बाद अचीवमेंट सिस्टम भी बता रहा है, जिसमें यानी कि अचीवमेंट सिस्टम को किस तरह लेंगे, जो यानी कि रिवार्ड्स प्लेयर के तौर पर लिया जाएगा, इसमें सर्वाइवल हेल्थ तौर पर बता रहा है। और इसकी यानी कि सर्वाइवल फ्री यानी कि चार्ज के तौर पर भी बता रहा है, जो यानी कि उसने दी हुई हैं। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसमें यानी कि मुख्तलिफ किस्म के यानी कि रिवार्ड्स के तौर पर भी दिया गया है, जो यानी कि आप इसमें रिवार्ड्स के तौर पर भी करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं स्पीच जस्ट के तौर पर बता रहा है। और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के यहाँ देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी टेबल तौर पर बता रहा है। और इसकी यानी कि आपने इसे यूज़ करना है तो सिक्योर इसकी यानी कि इन्फेक्शन जोन भी बता रहा है, जो यानी कि इन्फेक्शन जोन के तौर पर यानी किस अर्निंग के तौर पर होगा,
वो भी इसने दी हुई हैं, जो यानी कि आप इसमें चपेश के तौर पर यानी कि इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसकी यानी कि सारी यानी कि उसने डेल के तौर पर दिया है गया, सिक्योर के तौर पर यानी कि इन्फेक्शन जोन के तौर पर आप इसे यूज़ करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड अगर बात की जाए तो आप इसके सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि आप इसे देख सकते हैं कि टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसके ट्विटर को प्लेटफॉर्म को यानी कि आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो यानी कि आप इसे फॉलो करेंगे तो उसमें यानी कि आप इसमें देख सकते हैं लाइक रिट्वीट करना, इससे मुख्तलिफ किस्म देख सकते हैं कि आपको अपडेट दी जाएंगी। और उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं कि आपके यानी कि इसे ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड आप इसके और भी यानी कि हैं सोशल प्लेटफॉर्म जो यानी कि आप इसमें कर देख सकते हैं, जैसे कि आप इसके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के अनाउंसमेंट यानी कि वगैरह दी जाती है हर यानी कि इसमें लैंग्वेज के तौर पर देगा, जो अली स्टेट पर यानी कि गेम प्रोजेक्ट जो फ्रेंड आप इसमें ज्वाइन होकर बहुत सी यानी कि पैसे कमा सकते हैं, और इसे यानी कि आप गेम को इंडस्ट्री लगेगी, जो यानी कि एक बहुत ही यानी कि एक मेटावर्स के तौर पर यह गेम को आप यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद होगी फ्रेंड, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। टेक केयर, गुड।